यशोधरा नगर स्थित चांदनी लॉन से शादी के एक कार्यक्रम से लौट रही महिला ने ऑटो रिक्शा में अपना जेवरात से भरा बैग छोड़ दिया, जिसे पुलिस ने महज 2 घंटों के अंदर ऑटो रिक्शा का पता लगाकर जेवरात का बैग सही सलामत महिला को लौटा दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार यशोधरा नगर पुलिस को सूचना मिली कि शिकायतकर्ता महिला अपना बैग ऑटो रिक्शा में भूल गई है और उस बैग में 7 तोले सोने चांदी के जेवरात है, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए डाकघर से संपर्क किया। वहीं शिकायतकर्ता महिला से घटना की गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें महिला ने बताया कि वे चांदनी हॉल अपने परिवार के साथ में शादी में आई थी और यशोधरा नगर से ऑटो रिक्शा से कन्हान के लिए निकली और वो अपने जेवर का बैग उसी ऑटो में भूल गई, जिसके बाद महिला को साथ लेकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां घटना का बारीकी से जायजा लिया गया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और उक्त ऑटो को ट्रेस किया गया। गुप्त सूचना मिली कि ऑटो चालक ऑटो लेकर कोराड़ी चला गया, जहां पुलिस तुरंत ऑटो को खोजने के लिए कोराड़ी गई और ऑटो की तलाश शुरू कर दी। ऑटो रिक्शा मिलने के बाद पुलिस को तलाशी में गुलाबी बैग मिला, जिसमें महिला के गहने व कैश प्राप्त हुए। उक्त कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में संजय गीते, किशोर देवांगन, किशोर धोटे, संदीप वानखेड़े, प्रफुल्ल चिंतले ने की। पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर हद्दी में एक चांदनी लॉन में शादी थी। उस शादी में एक महिला मोनिका हर्षे, जो रैना कन्नान की है, वो आई थी। अपने रिश्तेदार की शादी खत्म करने के बाद वो लोग जब अपने एक ऑटो में बैठ के गाँव गई और वो ऑटो में उनका जो एक पर्स था वो छूट गया था, जो कन्नान में गाँव जाने के बाद उनको ध्यान में आया। वो वैसे ही पुलिस स्टेशन में आई, उन्होंने अपनी तकरार दी कि उनकी एक बैग जिसमें कि उनके कुछ कीमती जेवरात थे, जिनकी लगभग कीमत 3,90,000 रुपये है। उन्होंने जैसे ही हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री चौहान सर को यह बात बताई, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री चौहान सर ने हमारे डीबी टीम के सपोनी मोटे साहब और उनकी टीम को अवगत कराया और उन्होंने तुरंत इस बात की संज्ञा लेते हुए परिसर के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। कुछ संदिग्ध 4 से 5 ऑटो नंबर्स मिले, उनको मैच करते हुए हमारी टीम ने नंबर को डायल किया, ऑटो वाले का नंबर डायल किया मोबाइल का, तो वह कोराड़ी देवी मंदिर परिसर में था। हमारी टीम तुरंत वहां पहुंची, वहां ऑटो वाले से पूछताछ करने के बाद वो बैग हमें वहां मिली। ऑटो वाले के साथ हमारी टीम पुलिस स्टेशन पर वापस आई और जो मुद्देमाल था, जो कीमती, वो हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जवान सर और टीम ने उस महिला को सुपुर्द किया। उन्होंने चेक किया, वो सभी के सभी कीमती जेवरात उनके जैसे के वैसे थे। तो इस माध्यम से हमारे पथक ने बहुत ही कम समय में जो काम किया वह पूरी लगन के साथ किया और हम इस बात में सक्सेस हुए कि उनका मुद्देमाल हम 2 घंटे के भीतर दे सके। उनका मंगलसूत्र और कुछ कीमती जेवरात ऐसे थे जो कि 3,90,000 के थे, 7 तोला तकरीबन उनका वजन था। महिला ने पुलिस वालों का आभार मानते हुए खुशी जताई, क्योंकि किसी की भी खोई हुई चीज़ इतने कम समय में लाकर देना और वह उनकी जमा पूंजी की और मेहनत से कमाई हुई चीज़ थी, जिसकी वजह से उनको बहुत खुशी और उन्होंने पुलिस दल का बहुत बहुत आभार माना। इस पूरे वारदात में हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री चौहान सर थे और उनके मार्गदर्शन में डीबी टीम के एपीआई मोटे सर, उनके साथ में हवलदार गीते, हवलदार देवांगन, हमारे पुलिस अमलदार किशोर धोटे, संदीप वानखेड़े और राहुल, ऐसी टीम पूरी शामिल थी जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सर अंसारी, BC News, नागपुर।